मैं सुशांत सर, आज बिहार दस्तक टीम की ओर से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रदेश सचिव जदयू के, युवा जदयू के उत्कर्ष जी के यहाँ, और आज हम इनसे एक साक्षात्कार करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज जो स्थिति है बिहार में और जो इनके ऊपर दायित्व जो है एक प्रदेश महासचिव होकर के, वो किस तरीके से अदा कर रहे हैं और हम आगे इनसे बात करेंगे। पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूँ। उत्कर्ष जी ने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो 12वीं तक तो वो मुजफ्फरपुर से ही पढ़ाई की है, और उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की पढ़ाई की है, वहाँ ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई किया है इन्होंने। उसके बाद एएन कॉलेज पटना से इन्होंने मास्टर्स किया है, और उसके बाद इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एमबीए किया है NMIMS इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे से, और जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से आता है मैनेजमेंट के, वहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। क्योंकि ये काफ़ी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ सवाल जवाब इनसे उस क्षेत्र में भी करेंगे। अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आज जो मौजूदा स्थिति है बिहार की, उस पर बात करना चाहूँगा उत्कर्ष जी से। सबसे पहले मैं उत्कर्ष जी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है बिहार की, और अगर बात करें बिहार की तो जो स्थिति है वो 13 जिलों में बाढ़ आ चुकी है बिहार में, और आप देख सकते हैं कि जो स्थिति यहाँ बन रही है उसमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी लोगों को। तो इसके लिए, क्योंकि अभी प्रदेश में सूबे में आपकी सरकार है, तो क्या कदम, क्या पहल किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इस पर आप हमें जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले मैं बिहार दस्तक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस माध्यम से जनता तक सारी बात पहुँच सकेगी। अब अगर मुद्दे की बात करें बाढ़ की स्थिति, तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा और असामान्य स्थिति है, लेकिन इस असामान्य स्थिति को बिहार सरकार पूरे तरीके से तत्पर है और लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी टीम गठित हो चुकी हैं, NDRF से लेकर SDRF तक का टीम, और प्लस सेना के जवान भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दिया जा सकता है उसके लिए बिहार सरकार पूरे तरीके से अपने कार्य में लगा हुआ है, और आपदा प्रबंधन विभाग भी इस कार्य को लीड कर रहा है। उसके प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत साहब भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कोई भी प्रशासनिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि बाढ़ को लेकर और किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ना तो इसमें कोई बख्शे जा रहा है। अगर हम लोग बिंदुवार बात करें तो कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जितने भी MLAs और मिनिस्टर्स हैं वो मैक्सिमम अपने क्षेत्र में अभी दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का 3 दिन का एरियल सर्वे लगातार चला, पहले तो पूर्णिया क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद दरभंगा क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया, और कल पश्चिम चंपारण क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। और हर दौरे के बाद जो तुरंत सहायता पहुँचाया जा सकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि इमीडिएट नीड है, उसको हर तरफ से सक्षम है, और बिहार सरकार पूरे तरीके से सक्षम है बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में। कल मोतिहारी में एक विशेष जिलाधिकारी, पूर्व में जिलाधिकारी रह चुके अनुपम जी के वापस से विशेष जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापना भी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही दोपहर में 3 बजे दौरा करते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण क्षेत्र का, वो 5 बजे पटना आते हैं, और 6 बजे एक नोटिफिकेशन निकल जाता है, वहाँ विशेष जिलाधिकारी की पदस्थापना कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार इसमें पूरे तरीके से तत्पर है, और कहीं भी कोई त्रुटि ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद भी सारे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, सारे प्रधान सचिव, सारे सचिव मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग जो होता है वो भी कमिश्नरी लेवल से लेके और ब्लॉक लेवल तक, स्टेट लेवल तक पूरा चल रहा है। इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है कि स्थिति थोड़ी असामान्य है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसमें राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का हो सकता है तो वो समाज के वैसे लोगों का हो सकता है जो इस समय को कोई भी राजनीति में ला के और इन सब चीज़ से उठ के लोग बात करें, इंसानियत की बात करें। अभी कोई दल नहीं है बाढ़ के लिए, कोई दल नहीं है, कोई नेता नहीं है, सब इंसान और इंसानियत की बात करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जरूरी नहीं है कि जो किसी क्षेत्र का लोकल MLA हो, माननीय विधायक हो, वही उस क्षेत्र में जाएं, या वहाँ के मिनिस्टर जाएं, या सारी जिम्मेवारी हम प्रशासन पर छोड़ने के, साहब यहाँ तो कलेक्टर हैं और इस तरह के लोग हैं तो वो लोग देखेंगे।
मानवता के आधार पे जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में हम मदद कर सकते हैं, तो हमें निश्चित तौर पे मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कार्रवाई भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, जो भी चूक हो रहा है उसमें कार्रवाई हो रहा है। कल दरभंगा के एरियल सर्वे के बाद वहाँ के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी जी ने 2 SC को, सुप्रीम इंजीनियर को सस्पेंड भी किया तत्काल प्रभाव से। तो कहीं से कोई त्रुटि करने, कोई चूकता है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं भी चूक है तो उसको तुरंत फुलफिल किया जा रहा है और इसमें समय नहीं लिया जा रहा है। हम लोग NDRF की यहाँ 27 टीम काम कर रही है, SDRF की 19 टीम काम कर रही है और सेना के जवान भी पूरे तरीके से इसमें लगे हुए हैं। जहाँ तक मैक्सिमम बेनिफिट पब्लिक को पहुँचाया जा सकता है वो बेनिफिट पहुँचाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है क्योंकि बाढ़ सिर्फ जब तक पानी है तब तक की स्थिति नहीं है, उसके बाद रिहैबिटेशन और रीसेटलमेंट भी एक सरकारी योजना है, उसके लिए भी सरकार पूरे तरीके से तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के स्तर पे भी जितने वर्कर्स हैं वो सारे लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं और मैक्सिमम जितना सहायता किया जा सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं। सर, जैसा कि देखा जा सकता है बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये पहले से ये चीज़ जानकारी में है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और सूबे में बिहार सरकार आप देख सकते हैं पिछले कई लगभग दस साल हो चुके हैं नीतीश जी सरकार में, और ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि अब जानते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार, तो ऐसे में क्यों कुछ पहले से तैयारियां की नहीं गई थी या फिर इसके लिए कुछ तैयारी पहले से क्यों नहीं थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बाढ़ का सवाल है और सरकार की योजनाओं का सवाल है, तो सर बाढ़ में पानी जो आता है वो नेपाल से पानी रिलीज होता है या अचानक से बरसात होने की वजह से जब मूसलाधार बारिश होती है तो उससे भी पानी की स्थिति उत्पन्न होती है। और बाढ़ का एक नहीं अनेक कारण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बिहार 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है बाढ़ की स्थिति, और बिहार ही एक ऐसा राज्य भी है जहाँ लोग कहते हैं कि एक ही समय बाढ़ और एक ही समय सुखाड़ भी रहता है। कोई एक ऐसा शहर भी है जो सुखाड़ से ग्रसित है, कोई ऐसा शहर है कोसी की तरफ जो बाढ़ से ग्रसित है। और जहाँ तक सरकारी योजनाओं के सवाल है, तो सरकारी योजना मैं आपको बता दूँ कि ये सब पूर्णकालीन योजना बिहार सरकार की तरफ से चल रही है। 3-4 एजेंसीज है, अथॉरिटीज़ है जो इस पर काम कर रहे हैं, जैसे स्काडा है, सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाडा है, गंडक परियोजना है, इस तरह की सारी परियोजना काम कर रही है। नहर का विकास भी हम लोग तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बाढ़ की स्थिति कंट्रोल हो सके। अगर आप मूल्यांकन करें वर्षों के हिसाब से तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से 2007 में एक भीषण बाढ़ आई, उस समय जितनी क्षति हुई थी और आज की हम बात करें अभी क्षति कम है उसके मुताबिक, और अभी हम ज़्यादा सक्षम भी हैं लोगों को मदद करने में और ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर चल रहा है। और समय के साथ बाढ़ पानी को इमीडिएट जैसे बारिश होती है, बरसात होता है, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, वो बरसात होगी, लेकिन हाँ उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए उस तैयारी करने में बिहार सरकार सक्षम है। 2007 में जितनी तबाही हुई थी, जितने लोगों की मौत हो गई थी, आज वो ऐसी स्थिति नहीं है। आज के मृतक हैं लेकिन उस आकलन का अगर आप करें तो उसके हिसाब से मृतक की संख्या इस बार कम है और इस बार सरकार पूरे तरीके से एक्शन में है, किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, कोई चूक ना हो, इसलिए सरकार संकल्पित है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। सरकारी एजेंसीज जो हैं, स्काडा गाडा इस तरह की परियोजनाएं, गंडक परियोजना जो सब चल रहा है, वो भी जब 2020 तक का एक सरकार का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पूरा आशान्वित हैं। हर नगर निगम अगर अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करे तो शहर में जल जमाव की स्थिति कम होगी और ग्रामीण एरिया के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं पानी से जल से जुड़े वो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द हम लोग इस दुख की घड़ी से भी उभरेंगे और आने वाले समय में जो नुकसान होता है वो नुकसान धीरे धीरे घटेगा, उसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार जो है वो भाजपा सरकार जो केंद्र में है वो इसमें क्या उसका योगदान रह रहा है, खास करके जो बाढ़ जब हुआ है और साथ में बाढ़ में आप देख सकते हैं 92 लोगों की मौत होने की, मृत्यु होने की खबर अब तक आ रही है कि 92 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की क्या ये जवाबदेही नहीं है कि इतने लोगों की जान जा चुकी है बाढ़ से, तो उसके लिए क्या राहत कार्य वो कर रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार की ओर से क्या मदद मिल रहा है, क्योंकि ऐसे भी सरकार अब यहाँ गठबंधन में है हमारे बिहार सरकार के साथ, तो उसमें क्या योगदान रह रहा है केंद्र सरकार का, इस पर आप क्या? देखिए, इस नए गठबंधन के बाद से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा है। जब पहला बाढ़ की सूचना मिली थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोसी क्षेत्र से, पूर्णिया क्षेत्र से, तो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात किया
और बात करने के बाद जैसा आपको पता होगा कि आपदा में दो तरीके का टीम काम करते हैं, एक SDRF जो स्टेट डिजास्टर मैनेज डिजास्टर रिलीफ फोर्स है और एक NDRF। तो अभी हमारे यहाँ बिहार राज्य में अगर SDRF कम है 16 तो 27 NDRF की टीम काम कर रही है और ये केंद्र सरकार से ही आया है। केंद्र सरकार ने इमीडिएट सेना भी भेजा है, NDRF का टीम भी भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री दोनों लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर कोई और ज़रूरत पड़ता है राज्य से जो भी मांगा जा रहा है उस वो हमारे राज्य को तुरंत मिल रहा है। और बिहार के मोतिहारी से सांसद अभी बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी ने भी ये चीज़ कल घोषणा कर दिया कि किसी भी किसान को अगर जो क्षति हो क्षति प्राप्ति के लिए बीमा नहीं होगा तो भी हम लोग क्षति प्राप्ति उसको देंगे, कृषि इनपुट की राशि का जो वितरण होगा वो बिना बीमा का भी हम लोग देंगे। तो केंद्र सरकार हर स्तर से मदद कर रहा है और राज्य सरकार भी जहाँ सहयोग की जरूरत होती है वहाँ केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट कर रहा है और वो मदद हमें मिल रही है, इसमें कोई पीछे नहीं है। जो बात करें अब अगर बाढ़ की स्थिति में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है कि जो किसानों की भी काफ़ी क्षति हुई है क्योंकि फसल बर्बाद हो गए हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि किसानों की ज़िंदगी पर इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। ये स्थिति बन चुकी है कि लोग अपने घरों में आवास में छत पर आश्रय लें, तो इस स्थिति में किसानों के लिए क्या नीति बनाई जा रही है, क्या योजनाएं हैं जो कि आगे किसानों के लिए मिलनी होगी और उसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार क्या नीति है। देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए कृषि जो है महत्वपूर्ण विषय रहा है शुरू से और बाढ़ में प्रभावित जितने लोग हैं इसमें जितने लोगों की कृषि में क्षति हुई है जिनका खेत में फसल की क्षति हो या जो लोग का घर से भी क्षति हो जो BPL परिवार में पहले से शामिल हैं उन सब कुछ सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है। बिहार सरकार कृषि इनपुट की राशि पिछले वर्ष भी जब 2011-12 में बाढ़ आई थी 2007 में बाढ़ आई थी तो भी बिहार सरकार 2007 के बाढ़ में उतने भीषण बाढ़ के बावजूद बिहार सरकार को भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिला था कृषि इनपुट की राशि वितरण करने को लेकर। 2012 में भी जिला पदाधिकारी सारण को बेस्ट अवार्ड मिला कृषि इनपुट की राशि वितरण करने में। तो जब ये बाढ़ की स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाती है जब पानी का स्तर थोड़ा घटेगा तो हम लोग का नया जो सेकंड प्रोजेक्ट है फेज टू का वो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की तरफ चलेगा। तब सरकार अभी जो रहा शिविर में बट रहा है अनाज बट रहा है उन सबसे हट के और फिर नए कार्य योजना को लेके आएगा कि जितने लोग उससे प्रभावित हुए उनको हम लोग कैसे रीसेटल करें और कैसे उनको रिहैबिलिटेट करें रीसेटलमेंट के टाइम समय पे। ना सिर्फ कृषि की जो क्षति हुई है जो उनको आर्थिक क्षति है और जो घर की क्षति है हर विभाग ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग कृषि विभाग ये सारा विभाग मिलके पूरे तरीके से उनको मदद करेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पहुँचाया जा सके जल्दी से जल्दी उनको पूर्ण आवास की तरफ ले जाया जा सके और कृषि में जो क्षति है उसके लिए कृषि इनपुट के थ्रू हम लोग मैक्सिमम किसानों को जो बेनिफिट दे सकते हैं वो देने की पूरे तरीके से तैयारी हो चुकी है और रिहैबिलिटेशन का स्टेज आते ही बिहार सरकार इस पर भी अपना काम शुरू कर देगा और अभी बहुत हद तक बहुत विभाग का काम चल भी रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का जैसे मैं बता दूँ कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माननीय मंत्री मदन सहनी जी अपना गोरा गोरा विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, आज कैबिनेट होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री से छुट्टी लेके बहुत सारे ऐसे विभागीय मंत्री और MLA हैं जो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद कर रहे हैं। तो किसी कोई भी जो विभाग है वो हर विभाग अपने स्तर से यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं, सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर हम बाढ़ के अलावा अगर बात करें तो जैसे कि सरकार जैसे ही भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में आई थी तो ये माना जा रहा था कि ये एक सरकार खास तौर पर अपराध पर कुछ ज़्यादा जोर देगी क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पहले जो गठबंधन में सरकार थी उस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था लालू यादव जी के कारण। तो क्या ये अंतर अभी खास तौर पर वो देखने को नहीं मिल रही है, अगर अपराध की बात करें तो ये देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपका ये क्या है, क्या तैयारियाँ हैं जो खास करके अपराध को नियंत्रण करने के लिए और क्या पहल की जा रही है, प्रशासनिक तौर पे भी क्या आदेश दिए जा रहे हैं और क्या इस पर कार्रवाई होगी। देखिए बिहार सरकार 27 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए तो फिर से सरकार बना उसके बाद से इमीडिएट कुछ ही दिनों में बहुत जगह पे पुलिस अधीक्षक को बदला गया है, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगा जिला पदाधिकारी और बहुत सारे पुलिस अधीक्षक को बदला गया है। जहाँ तक बात अपराध नियंत्रण का तो अपराध नियंत्रण जनता दल यू का और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से USP रहा है भ्रष्टाचार के विरोध में और अपराध नियंत्रण के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति अगर बिहार में कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ना सिर्फ बात करते हैं जीरो टॉलरेंस हमारे अपराध नीति पे है भी। अभी चूंकि एक बिहार में माहौल थोड़ा सा बदल गया है, सारा ध्यान बाढ़ की तरफ चला गया है
और इस बाढ़ के हालत में भी आप पहले के सरकार को अगर ध्यान दें, 2005 से पूर्व में जो सरकार थी, बाढ़ के समय में भी आप सुनते होंगे कितने घरों में चोरी हो गया, छीना झपटी हो गया, लोग आपस में सामान लूट लेते थे। अभी आप देख रहे होंगे इस तरह का कहीं से कोई दुखद घटना हमें सुनने को नहीं मिला है। इससे ये जो बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति में भी पर्याप्त फोर्स दिया गया है, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी को आर्थिक या मानसिक क्षति को याद नहीं पहुंचा सके। हम लोग अपराध नियंत्रण पर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं और थोड़ा जहाँ जहाँ नए पुलिस अधीक्षक गए हैं और पहले से भी जितने पुलिस अधीक्षक हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ सरकार को ज़रूरत लगेगी प्रशासनिक फेरबदल की, जहाँ नए पुलिस अधीक्षक की ज़रूरत होगी, वहाँ हम लोग नए पुलिस अधीक्षक भी देने के लिए बिहार सरकार कहीं से पीछे नहीं है। और अपराध नियंत्रण पे हर जोनल आईजी को और एडीजी मुख्यालय की तरफ से भी अभी बाढ़ के भी एक अलर्ट आया है कि बाढ़ के समय भी सारे थाना अध्यक्ष 24 आवर्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं, कहीं से उसमें कोई कोताही की बात नहीं है। अगर किसी को 12 बजे रात में दिक्कत है तो वहाँ भी थाना अध्यक्ष अपने पूरा थल बल के साथ जाने को तैयार है। अपराध नियंत्रण हम लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं। पुरानी गठबंधन की बात करें तो अभी शायद ये बहुत अनुकूल समय नहीं है कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी नहीं चलना चाहिए। नई गठबंधन जो हमारी बनी है भाजपा के साथ, अभी केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, और हम लोग पूरे तरीके से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और अच्छी सरकार चल रही है और जनता को भी इसका फ़ायदा आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। और जनता भी आज ये महसूस कर रही होगी कि अभी वापस से हम उसी सुरक्षित बिहार के प्रति तरफ बढ़ रहे हैं जो सुरक्षित बिहार हम लोग को NDA 1 के समय में मिला था। अब अगर बात करें कि जो अपमान यात्रा तेजस्वी जी निकाल रहे हैं उससे और जो लोगों का जो उनको रिएक्शन मिल रहा है उसके बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, खास करके अगर कोई कार्य अगर सरकार उसको कार्यान्वित करना चाहेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है या कोई मुश्किल हो रही है, जनता की तरफ से कोई विरोध चल रहा है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया है कैसे सूबे में? देखिए, अगर तेजस्वी जी की अपमान यात्रा की हम बात करें तो ये अपमान यात्रा किस लिए है ये आज की तारीख में समझ नहीं आ रहा है। ये अपमान बिहार का कर रहे हैं, बिहार की जनता का कर रहे हैं या खुद का अपमान कर रहे हैं? एक नैतिकता यह कहता है कि जब आपका राज्य किसी आपदा से ग्रसित है तो ये समय राजनीति का नहीं था। ये समय आप चंपारण की धरती से अपमान यात्रा शुरू किए और गांधी जी के शरण में जाके आपने बोला कि भाई बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब वो अपमान यात्रा शुरू की और धोखा हुआ है, आप राजनीति रोटी तो सेक रहे हैं लेकिन उसी चंपारण में बाढ़ की स्थिति है, उसी भागलपुर में बाढ़ की स्थिति है, आप वहाँ राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप राहत शिविर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर राष्ट्रीय जनता दल लगता है इतनी बड़ी पार्टी है, 80 विधायक की पार्टी है और सारे लोग अगर उनके पक्ष में हैं तो क्यों नहीं इस आपदा के समय पर राजनीति से हट के तेजस्वी यादव जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, अपने इस यात्रा को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें और जो राहत शिविर जहाँ से वो चंपारण से अपना यात्रा अपने स्वाभिमान के लिए और दूसरों के अपमान के लिए निकाल रहे हैं उसी चंपारण में वापस जाएं और वहाँ राहत शिविर में जाएं और वहाँ राहत देने का कार्य करें। अगर उनके पास हर तरह के संसाधन है, जब वो अपने रैली में 500-500 गाड़ियाँ घुमा सकते हैं तो मानते हैं कि उनके पास कार्यकर्ता सफिशियंट है। माननीय तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करें कि अभी कुछ समय के लिए सारी राजनीति को छोड़ के अपने कार्यकर्ताओं को वो राहत में लगा, राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का भी समय। अगर बात करें तो 80, जैसा आपने भी बताया और हम जानते हैं कि 80 विधायक जो हैं वो राजद के, तो ऐसे में राजद के जो विधायक हैं उनका क्या योगदान रह रहा है, खास करके अगर बाढ़ राहत शिविर की बात करें जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के चला रही, तो उसमें उनका क्या योगदान रह रहा है, क्या वो इसमें मदद कर रहे हैं या फिर उनके पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम बात करेंगे किसी लोकल विधायक का, हर विधायक का अपना विधानसभा क्षेत्र है और विधायक का पहला जो अपना नैतिकता कहता है और वो सारे लोग कह भी रहे चूँकि उनको अपने क्षेत्र से वहाँ से वोट मांग के उसके वो प्रतिनिधि हैं, तो ये ऐसा समय है जिस समय सारे विधायक लगभग अपना काम कर रहे हैं क्योंकि किसी को कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। एज ए विधायक जितने लोग हैं वो लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो अभी तेजस्वी जी के रैली में डाइवर्ट होकर भागलपुर जा रहे हैं या कहीं कहीं अपना दौरा कर रहे हैं, ये समय राजनीतिक दौरा का नहीं है। RJD के विधायक हो या किसी भी दल के विधायक हो, ये एक समाज में मैसेज जाना चाहिए। एक मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अभी राजनीतिक दौरा को स्थगित करके एक नैतिकता का दौरा शुरू करें। जो विधानसभा में है अतिउत्तम वो है और जो नहीं है वो अपने विधानसभा में जाए, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रभावित व्यक्तियों से मिले और उन लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें। अगर बात करें जदयू की, तो जैसा कि हम लोग देखें किस जो जदयू नेता हैं उनको निलंबित किया गया है,
इन्हीं हाल दिनों में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब से ये गठबंधन की सरकार टूटी है महागठबंधन की, तो एक विरोध अंतर दल भी शुरू हो चुका था और जिसके कारण से 21 विधायकों को निलंबित किया गया है। ऐसे में शरद यादव जी कल साझा शक्ति समारोह कर ये जो एक ये विपक्षी दलों के साथ एक जो समारोह किया उसमें भी देखा गया था कि काफ़ी, लेकिन वो हिचक रहे थे जदयू के खिलाफ में कुछ बोलने से। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता होते हुए और जो बाढ़ की स्थिति बिहार में है, तो क्या उनका ये शक्ति परीक्षण करना अभी सही है या असली जदयू नकली जदयू का जो जंग है क्या कितना जायज है, और इस पर आपकी क्या राय है कि शरद यादव जी को अभी किस रोल में लिया जा रहा है? देखिए, शरद यादव जी जनता दल यू के सबसे पुराने नेता हैं और आदरणीय रहे हैं सबके। उनका जो योगदान जनता दल यू में रहा है वो भी सराहनीय रहा है, लेकिन अभी का जो समय है ये कहीं से शक्ति प्रदर्शन करने का और राजनीति का समय नहीं है। शरद यादव जी को, और जहाँ तक बात करें 21 लोगों को जो जनता दल यू से बर्खास्त किया गया, देखिए पार्टी अपने गाइडलाइन और बायलॉज पर चलता है। जब एक पार्टी का हर जिला अध्यक्ष को ये नोटिस चला गया था कि आप सारे कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म करें कि वो लोग पार्टी लाइन से हट के कोई काम नहीं करें, ये जो एक्शन लिया गया 21 लोगों पे, ये सिर्फ पार्टी लाइन से हट के कार्य करने पे लिया गया। और ये समय अभी नहीं था कि आप राजनीतिक अपनी नई पार्टी को बनाने में लग जाएं, नए विधायक चुनने में लग जाएं कि भाई हम इस क्षेत्र से इसको टिकट देंगे इसको टिकट देंगे, या नए गठबंधन का समय अभी ये बिल्कुल समय प्रतिकूल है। अगर आप देखें राजनीति करने के लिए तो ये समय राजनीति रोटी सेकने का नहीं है, ये समय मानवता का मदद करने का है, जो भी लोग प्रभावित हैं उनको मदद करने का है। माननीय शरद यादव जी का क्षेत्र मधेपुरा भी आज बाढ़ से ग्रसित है। अभी जो समय वो कांग्रेस से मिलकर राहुल गांधी जी के साथ तमाम विपक्षी दलों के साथ जो वो अपना साझा कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं, उसको छोड़ के अभी उनको अपने क्षेत्र में आकर दौरा करना चाहिए ताकि जो क्षेत्र के लोगों ने उन पर भरोसा किया था वो भरोसा कायम रह सके। और जहाँ तक बात है जनता दल यू के अगेंस्ट में नहीं बोलने का, विपक्ष में नहीं बोलने का, तो शरद यादव जी भी अपनी स्थिति को अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर वो दूसरी पार्टी बनाते हैं या राष्ट्रीय जनता दल में वो जाते हैं तो आने वाले समय में उनका भी पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज जितने अच्छे स्थिति में जनता दल यू और भाजपा अपने सरकार चला रही है ये समय अनुकूल है उठ के, राजनीति से उठ के अपने आप को प्रदर्शित करने का। और इस समय जो भी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं सब लोग को एक अपने आप में आत्मभरोसा और सेटिस्फैक्शन फील हो रहा होगा कि चलिए अभी मैं राजनीति से थोड़ा सा अलग हटके और हम लोग मानवता की ओर बढ़ रहे हैं और ये समय मानवता की ओर बढ़ने का, ना कि राजनीति करने का। अगर बात करें शिक्षा की स्थिति की, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपने भी उस शिक्षा के लिए बाहर पलायन किया था, तो आखिर कुछ ना कुछ स्थिति बिहार की खराब है तभी तो शिक्षा के लिए यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो सरकार अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है जो कि उच्च शिक्षा के लिए तय कर रही है ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी जैसे जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है और चाहते हैं कि उच्च शिक्षा अच्छी जगह से कर सकें, तो उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधाएँ आप उपलब्ध करा रहे हैं या फिर नीति क्या है? और बजट की बात करें तो इधर हाल में ही 25,000 करोड़ के आसपास का बजट शिक्षा पर ये किया गया जिसमें से उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं था, उसमें प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के लिए तो था लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कुछ खास इसमें दिखी नहीं। तो ऐसे में सरकार की क्या नीति है जो कि उच्च शिक्षा के लिए खास करके कि जिससे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़े यहाँ से, इसके लिए क्या नीति है? देखिए, बिहार की जो शैक्षणिक व्यवस्था है ये व्यवस्था जैसा कि आपने बताया कि मैं भी अपने उच्च शिक्षा के लिए पलायन किया, हाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था यहाँ आज से कुछ साल पहले तक थोड़ी कमज़ोर थी मैं ये मान सकता हूँ। और जो लोग आर्थिक रूप से कुछ समृद्ध थे या जिनको स्कॉलरशिप था वो सारे लोग बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, क्योंकि जो व्यवस्था शिक्षा का जो व्यवस्था है किसी, जैसे आज कोई कॉलेज खुलता है तो आप उसको इंडिया का रैंक वन कॉलेज घोषित नहीं कर सकते, हर कॉलेज के रैंकिंग उसके परफॉर्मेंस पर होता है। जो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल मतलब पुराने कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग चल रही है और जनरली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे रैंक पे रैंक कॉलेज में पढ़ना। लेकिन 2005 के बाद से आज तक की हम बात करें तो शिक्षा में बहुत सारे चेंज हुए हैं। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो अभी मौजूदा सरकार ने, जब सरकार गठन होने के साथ ही उद्योग मंत्री जय सिंह साहब ने भी और कृष्णनंदन वर्मा जी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, ये दोनों लोग की मीटिंग हुई और फर्स्ट डे मुख्यमंत्री जी की जिन्होंने कैबिनेट किया और पहला दिन जो विभागीय समीक्षा कर रहे थे उसमें शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा का और उद्योग का दोनों के समीक्षा में उन्होंने इस पर खास जोर दिया है कि यहाँ जो आईआईटी है, आईआईटी को हम लोगों ने बीटा में शिफ्ट करा है, बड़ा बिल्डिंग अब वहाँ हो गया
और बाकी भी कॉलेजेस और जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसको खास करके मजबूत करने की बात हुई है। और शिक्षा की व्यवस्था में जो हमारे यहाँ रूलर एरिया के लोग हैं उसके लिए नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय कार्यक्रम में एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना जो है वो और आर्थिक हल युवाओं का बल ये सब जो योजना है ये शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही है। इसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन आने वाले समय में बिहार सरकार और बिहार ना कि सिर्फ IIT IIM जैसे बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब को लाने में सक्षम रहेगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम लोग उसको अपने राज्य में भी लाएंगे और बिहार सरकार ये चाहती भी है कि यहाँ से कम पलायन हो, लोग शिक्षा भी अपने राज्य में लें, प्राथमिक शिक्षा भी, उच्च शिक्षा भी, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो नौकरी देने के लिए भी बिहार सरकार अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि बिहार से लोग बाहर पलायन ना करें। रोजगार की कौन कौन सी नीति जो है अभी सरकार द्वारा बनाई गई है और जो बना रहा है सरकार जो कि जिस पर रोजगार के लिए काम किया जाए? देखिए रोजगार के लिए केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, हर साल रोजगार आते हैं। और अभी बिहार सरकार भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आप लोग वेबसाइट पर उसको सर्च करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 3 महीने का 6 महीने का कोर्सेज है, अगर वो कोर्स कर लेते हैं, वो कोर्स करने के बाद बिहार के छात्रों को बिहार में रोजगार देने की नीति बनाई गई है। इस नीति में और भी अभी रिसर्च चल रहा है, लगे हुए हैं प्रशासनिक और सरकार के माननीय मंत्री भी लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम अपने राज्य में कैसे ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाने के लिए हमें बड़े कंपनीज को भी इनवाइट करना होगा, एक कॉरपोरेट माहौल जो बनाना है वो उद्योग विभाग में बना रहा है। आने वाले समय में ज़्यादा उम्मीद है कि 2017 के अंत में या 2018 के शुरू में बिहार में एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जिसमें भारत से और भारत के बाहर से सारे बड़े उद्योग के लोगों को बुलाया जा रहा है और एक ऐसा एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जा रहा है कि यहाँ उद्योग लाएँ। जब यहाँ उद्योग आने शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि रोज़गार बढ़ेगा। जैसा कि बैंगलोर में है, मुंबई में है, तो वहाँ रोज़गार इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ उद्योग है, हर कंपनीज का अपना वहाँ सेटअप है। उसी तरह से जब वो सेटअप HCL ने अपना कंसेंट दिया है बिहार में आने के लिए और बीटा में उसका कार्य भी शुरू हो रहा है, HCL कंपनी यहाँ आ रही है और भी बड़े बड़े कंपनी जब बिहार में आ जाएंगे तो बिहार से इंजीनियरिंग करने वाले, बाहर से इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में जॉब ऑफर कर सकें और यहीं रोज़गार मिले। इसके लिए सरकार का उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग दोनों लगा हुआ है और हम लोग यहाँ रोजगार देने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि देखा जा सकता है बिहार में आज भी कृषि क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा ये इनकम होता है यहाँ से, तो ऐसे में कृषि को मतलब जो अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हम ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर जो कि खास करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हों और वो प्रोसेस करें यहाँ की जो एग्रीकल्चर से जो हम लोग प्रोडक्ट्स हम लोग ये कर रहे हैं अब, ताकि उससे रोज़गार और मिल सके यहाँ पर। तो ऐसी कुछ नीतियाँ क्यों नहीं सरकार बनाती है जिससे एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो ताकि युवाओं को एक रोज़गार भी मिल सके और साथ साथ रोज़गार के साथ उनको एक नया मौका भी मिल सके? देखिए बिहार सरकार अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी के माध्यम से सारे बैंक्स का मीटिंग किया था और उसमें ये बोला गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितने होते हैं बैंक उनको लोन देने के लिए उसका प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल करे, जो बहुत हार्श प्रोसेस है, बहुत लोग लोन अप्लाई करते हैं नहीं मिलता है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए अभी माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता विभाग जो है उन्होंने भी मीटिंग की थी, उसमें भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बाहर से कॉरपोरेट्स को बुलाया गया और फिर से जनवरी में उनकी बैठक होनी है। तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्रीज भी जो है, एग्रो इंडस्ट्री भी यहाँ राइज करे। इसमें राइज करने के लिए जो बेसिक नीड है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सिंगल विंडो काउंटर हम लोग देना चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ अपना उद्योग सेटअप करना चाहते हैं, वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल या मीडियम स्केल किसी भी स्केल का उद्योग हो, उनको सिंगल विंडो काउंटर हम लोग दें ताकि उनको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़े। और उसमें हम लोग सक्षम हैं, आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बिहार में आ रहा है। 2018 में पूरी उम्मीद ही नहीं, मैं पूरे आपको सूचना दे रहा हूँ कि 2018 में बिहार में अच्छी अच्छी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है जिससे हम लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर भी हैं जो लोग इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अपने सुशांत जी का नाम सुना होगा, उन्होंने भी एग्रो बेस्ड के लिए बहुत सारा काम किया। तो इस तरह के प्राइवेट लोग भी अभी इंटरेस्टेड हैं बिहार में प्रोग्रेस के लिए और आने वाले समय में हम लोग ये सारे इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने
बातचीत की उत्कर्ष जी से, जो कि प्रदेश महासचिव हैं जदयू के। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्कर्ष जी प्रदेश महासचिव के पद पर ये सबसे कम उम्र के पहुँचने वाले नेता हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा इन्होंने बहुत अच्छी जगह से हासिल की है। तो हमें उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम आगे की खबरों को अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अभी हाल दस्तक पर। धन्यवाद।